बैक टू द चैनल, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू ब्लॉग। और आज है गुरुवार और ये है मेरी शक्ल जिसको देख देख कर आप बोर हो गए हो और जिसे मैं परिवर्तन यानी चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो आज सुबह सुबह का कार्यक्रम क्या है, सुबह सुबह मैं बना रही थी किचन में कॉफ़ी और ये रही मेरी कॉफ़ी। और ये जो कप देख रहे हैं स्माइली के साथ इतना प्यारा सा कप है, ये कप हमने लिया था तारकेश्वर से। और तारकेश्वर में हम लोग थे पिछले शनिवार, तो वहाँ जाके मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और कुछ माइंड मत कीजिए, अभी मैंने जस्ट फ्रेश होकर ब्रश करके मुंह धो के फ्रेश हुआ है और नहाया नहीं है अभी तक मैंने, तो इसलिए बाल बाल बिखरे हुए हैं, तो कुछ माइंड मत करना। और गाइस हम लोग आ गए हैं तारकेश्वर यानी मेरे ससुराल पर और ये है स्टूडियो, यहाँ पे फोटो खिंचाने आई हूँ मैं और सुमन जी। और सफर करने के बाद ना बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं और सुमन जी आए हैं तारकेश्वर के एक रेस्टोरेंट में जिसको बोलते हैं रूमी रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल तारकेश्वर के बस स्टैंड पर ही है। आज के डिनर और डिनर में बन रही है लगभग 20 आलू के पराठे। आलू के पराठे वाला रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, तो अभी नए से कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट पराठे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और आप लोगों ने पूछा था यहाँ तारकेश्वर आने के बाद ससुराल में मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती है, तो दिन का खाना मेरी सासूमा और चाची सास मिलकर बनाती है। चाची सास यानी सुमन जी के जिस चाचा का रिसेंटली देहांत हुआ है, तो चाची सास और मेरी सासूमा बन के मिलकर दिन का खाना बना लेती है। लेकिन रात में अगर कुछ मन किया तो हम लोग बना लेते हैं एक्सपेरिमेंटल कुछ खाना अगर मन किया तो। सुमन जी जैसे आज मैदा गूंद लिए हैं, आलू पराठे का मसाला स्टफिंग जो है वो मैंने बनाया और अभी अभी ऑलमोस्ट 20 के लगभग पराठे मैंने फ्राई भी कर लिया है। तो इस तरह से बहुत बिजी में दिन बीत जाता है यहाँ पर आके। और इस बार तो वोटर कार्ड का भी चक्कर था, इसलिए वहाँ पर जाना भी पड़ा था ऑफिसर के पास वोटर कार्ड के लिए। तो इसी तरह से बस हल्के फुल्के तरह से मेरे दिन जा रहे हैं नसीपुर में। और कल है संडे और कल हम लोग जा रहे हैं वापस घर, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरी ज़िंदगी को देखने के लिए एज यूजुअल। और नया कुछ इसमें अगर सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या नया सीखने को मिला। और अभी हो गया है डिनर टाइम, मेरे ससुर जी सुमन जी देवर जी और मैं चारों लोग मिलकर डिनर करने बैठे हैं। आलू के पराठे साथ में है, धोखा और भी कई चीज़ें हैं। गाइस हम फिर से आ गए हैं तारकेश्वर क्योंकि मुझे करवाना है इस एड्रेस में वोटर कार्ड, और वोटर कार्ड का जितना भी कार्यक्रम है और दफ्तर में जाना है सरकारी दफ्तर में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था सुमन जी का स्कूल, तो उसी स्कूल में जाएंगे और पूरी प्रोसीड्योर होगी आज और वोटर कार्ड होपफुली मेरा बन जाएगा। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से तारकेश्वर में जाके मैंने अपने दो दिन बिताए हैं और बड़ी खुशहाली से मैंने ये सारे दिन बिताए। इस संपूर्ण ब्लॉग में एक मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहिए। हर ब्लॉग में मैं कोशिश करती हूँ लोगों को मोटिवेट करने की टू द हाईएस्ट लेवल। मुझे पता नहीं कितने लोग प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन मैं कोशिश हमेशा जारी रखती हूँ समाज में एक पॉजिटिव लाइफ और हैप्पी लाइफ लीड करने के मैसेज को फैलाने की। तो तारकेश्वर में जाने के बाद यहाँ से मैं दुर्गापुर में पली बड़ी हूँ, यहीं पे मैंने जन्म लिया है। एंड दुर्गापुर एक स्टील सिटी है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ से जाकर तारकेश्वर में जहाँ मेरा ससुराल है वो रूरल एरिया में है, मतलब गांव बोल सकते हैं उसको। तो गांव में जाकर भी खुश रहना और लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करना,
तो इसमें एक सामंजस्य की बात है, इट्स अ बैलेंस, जिसको आप लोग अगर बना के चलते हो अपनी जिंदगी में तो खुद भी खुश रह सकते हो और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करने में भी एक खुशी है। तो ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। वहाँ जाकर मैंने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं किया, कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरह से जीकर, अच्छे अच्छे खाना बनाकर, लोगों से हंसमुख तरह से मिलकर और सबके साथ अच्छा अच्छा खाना खिलाकर, मिल बांटने की कोशिश करके जो खुश रहने की प्रक्रिया जारी रख रही हूँ। इससे मैं खुद भी खुश रह सकती हूँ और मेरे आसपास के सराउंडिंग्स के जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सास ससुर, सबको खुश रख भी सकने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं वो खुश कितने हैं, मुझे लगता है खुश है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने मुँह से ही बोलेंगे कि वी आर वेरी हैप्पी विथ यू, हम लोग तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियोस और खुश रहिए अपनी हॉबीज के साथ। के लिए बाय बाय। कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दोपहर की या रहेगी सजा, रहेगी सजा किसे है पता।